नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत। एक की बाइक पर सवार होकर अयोध्या जा रहे तीनों दोस्त पंचकोशी परिक्रमा में शामिल होने अयोध्या में जा रहे थे। तीनों दोस्त नेशनल हाईवे पर हरैया थाना क्षेत्र के बिजरा गांव के पास हुआ दर्दनाक हादसा। बाइक सवार तीन दोस्तों की ट्रेलर की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। हादसे में जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के तीन युवकों की हुई मौत। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के वरहपुर गांव निवासी 25 वर्षीय अंकित मिश्रा पुत्र सुभाष चंद्र मिश्रा, 21 वर्षीय दीपक गौंड उर्फ राजा पुत्र आशाराम तथा हाउसर हसौर गांव निवासी 20 वर्षीय रंजीत की दर्दनाक मौत गुरुवार की रात 9:30 बजे के करीब हरैया थाना क्षेत्र के बिजरा गांव के पास हुआ बड़ा हादसा। ट्रेलर के चपेट में आने से गए तीन लोगों की जान। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी तीनों शवों को कब्जे में लेकर शुरू हुए आगे की कार्रवाई। हादसे में शामिल ट्रेलर को हरैया पुलिस ने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही बरहेपुर और हसोवर गांव में फैला मातम क्षेत्र अधिकारी हरैया शेष मनी उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी घटना की जानकारी। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए जोनल हेड चंद्रकांत पांडे की खास रिपोर्ट। कल रात्रि लगभग 9:20 पर गजानन ढाबा, जो कि हरैया थाना क्षेत्र में पड़ता है, नेशनल हाईवे की दक्षिणी लेन पर, वहां पर हरैया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि तीन लड़कों का एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर तत्काल हरैया पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि एक बाइक पर सवार तीन लड़के, जो कि कप्तानगंज कस्बे से हरैया कस्बे की तरफ जा रहे थे, उनको पीछे से एक ट्राला ने टक्कर मार दिया, जिसमें दो लड़कों की मौके पर मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। गंभीर रूप से घायल लड़के को तत्काल हरैया पुलिस द्वारा सीएससी हरिया भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसके बाद परीक्षण मृत घोषित कर दिया। ट्राला को हरिया पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। ट्राला का चालक भागने में कामयाब रहा। इस प्रकरण में परिजनों की तहरीर पर थाना हरिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और नियमानुसार मृतकों के शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। मृतकों के नाम क्रमशः अंकित, उम्र लगभग 25 वर्ष, और दूसरा दीपक लगभग 20 वर्ष और रंजीत लगभग 18-19 वर्ष बताई गई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।